रातों रात अफरीदी ने किया है संन्यास का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आखिर अफरीदी ने क्यों उठाया इतना बड़ा कदम, बताएंगे आपको इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। पाकिस्तान सुपर लीग का सातवां संस्करण 27 जनवरी 2022 से शुरू होगा। टी20 लीग का पहला मैच पीएसएल 2021 की चैंपियन मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के बीच होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि कर दी है। मार्च अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया के आगामी दौरे के लिए जगह बनाने के लिए लीग को एक महीने आगे खिसका दिया गया है। पीएसएल 2022 के पहले 15 मैच कराची में खेले जाएंगे। पीएसएल 2022 के बाकी 19 मैच लाहौर के मैदान पर होंगे। पीएसएल 2022 का फाइनल मैच 27 फरवरी को लाहौर में ही खेला जाएगा। पीसीबी ने अभी पुष्टि की है कि आगामी सीजन के लिए खिलाड़ियों का मसौदा 12 दिसंबर को लाहौर में आयोजित किया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी 2022 में आखिरी बार पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हुए नजर आएंगे। वो पीएसएल के सातवें सीजन में क्वेटा ग्लेडिएटर की तरफ से उतरेंगे। 41 साल के शाहिद पिछले साल मुल्तान सुल्तान की तरफ से पीएसएल में खेले थे। उनकी टीम खिताब जीतने में सफल रही थी। अफरीदी के अलावा इंग्लैंड के क्रिकेटर जेम्स विंग्स भी सुल्तान मुल्तान छोड़कर ग्लेडिएटर की तरफ से खेलते नजर आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जारी बयान में शाहिद अफरीदी ने कहा है, मैं क्वेटा ग्लेडिएटर में शामिल होने के लिए उत्साहित हूँ। 2019 में पीएसएल का खिताब जीतने के बावजूद पिछले कुछ सीजन इस टीम के लिए उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। अपने अंतिम पाकिस्तान सुपर लीग में मेरा सपना होगा कि मैं 2017 में पेशावर जालमी के साथ खिताब जीतने के बाद इस बार क्वेटा ग्लेडिएटर के साथ चैंपियन बनकर अपने लीग के सफर को विराम लगाऊं। अफरीदी पीएसएल के छठे सीजन के दूसरे हाफ में मुल्तान सुल्तान की तरफ से नहीं खेल पाए थे। उन्हें प्रैक्टिस के दौरान लोअर बैक में इंजरी हो गई थी। इसी वजह से उन्होंने यूएई में हुए पीएसएल सीजन 6 के दूसरे हाफ में हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि उनकी टीम खिताब जीतने में सफल रही थी। अफरीदी के टी20 करियर की बात की जाए तो उन्होंने 326 मैच में 4395 रन बनाए हैं, 1 शतक और 10 अर्धशतक भी जड़े हैं। स्ट्राइक रेट 154 का रहा है और वे 252 छक्के भी लगा चुके हैं। बतौर गेंदबाज उन्होंने टी20 में 344 विकेट झटके हैं। 7 रन देकर 5 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है। वे 11 बार 4 या उससे अधिक विकेट भी ले चुके हैं। तो दोस्तों, इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।